तो जिस तरह बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक कपल्स की लव स्टोरी चर्चा में रहती है, ठीक उसी तरह हमारे टीम इंडिया के क्रिकेटर्स की भी लव स्टोरी जो है हमेशा चर्चा में बनी रहती है। दुनिया की नजरों से छुपकर अपनी पार्टनर से मिलने से लेकर वैकेशन पर जाने तक क्रिकेटर्स भी वो सब कुछ करते हैं जिसके बारे में धीरे धीरे उनके फैंस को पता चलता रहता है। इंडियन क्रिकेट टीम के हिटमैन यानी हमारे कैप्टन रोहित शर्मा और उनकी लव लाइफ और उनकी पार्टनर रितिका सचदेव ने भी अपनी डेटिंग पीरियड में किया था। तो आइए आज हम आपको रोहित और रितिका की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं जो एक फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो पहले आपको रोहित शर्मा के बारे में बताते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा का जन्म हुआ था 30 अप्रैल 1987 को नागपुर में। उनके पिता का नाम है गुरुनाथ शर्मा जो ट्रांसपोर्ट फर्म के स्टोर हाउस में केयरटेकर का काम करते थे। रोहित शर्मा की मां का नाम है पूर्णिमा शर्मा जो विशाखापट्टनम से है। रोहित शर्मा के पिता की जो इनकम थी वो बहुत कम थी जिस वजह से उनकी परवरिश उनके दादी के घर में हुई। उनके दादी और चाचा ने मिलकर उन्हें पाला पोसा। रोहित को बचपन से ही क्रिकेट पसंद था। साल 1999 में रोहित शर्मा एक क्रिकेट कैंप में शामिल हुए थे और इसी तरह उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर साल 2006 में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाई। उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर क्रिकेट की दुनिया के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सचदेव एक स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर थी और वो क्रिकेटर युवराज सिंह की राखी बहन भी थी। जी हां, रोहित शर्मा और रितिका की पहली मुलाकात एक एड शूट के दौरान हुई थी। उन्हें युवराज सिंह ने मिलाया था। शुरुआती दिनों में रितिका रोहित शर्मा को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। दूसरी तरफ युवराज सिंह ने भी रोहित को अपनी बहन रितिका से दूर रहने की सलाह दी थी। लेकिन कहते हैं ना कि भाई जिन्हें एक होना होता है वो हो ही जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही रोहित शर्मा और रितिका के साथ भी हुआ था। स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर होने की वजह से रितिका और रोहित शर्मा की मुलाकात होती रहती थी। रितिका रोहित के क्रिकेट के कार्यक्रमों को संभालती थी, उनकी डेट्स मैनेज करती थी, साथ ही उनकी पूरी तरह से सब कुछ शेड्यूल भी मैनेज करती थी। इसी वजह से दोनों की धीरे धीरे दोस्ती होने लगी और यही दोस्ती एक दिन प्यार में बदल गई। खास बात यह है कि दोनों ने अपने रिलेशनशिप की भनक युवराज सिंह तक को भी नहीं लगने दी। रोहित शर्मा और रितिका एक दूसरे को 6 साल तक डेट कर रहे थे। इस दौरान दोनों ने अपनी लव लाइफ को दुनिया से छुपा कर रखा। लेकिन साल 2015 में आईपीएल के दौरान दोनों का सीक्रेट रिलेशनशिप दुनिया के सामने आ गया। हुआ यूं कि 2015 के आईपीएल में रोहित शर्मा का नाम एक मिस्ट्री गर्ल के साथ जोड़ा जा रहा था और ये मिस्ट्री गर्ल कोई और नहीं रितिका ही थी। इतना ही नहीं, उन दिनों रितिका अपने लविंग बॉयफ्रेंड रोहित के होटल के पास वाले होटल में ही रुकी हुई थी ताकि वो फ्री टाइम में उनसे मिल पाए। इसी दौरान दोनों को एक साथ घूमते हुए भी कई बार देखा गया जिस वजह से दोनों के रिलेशनशिप की अफवाहें चारों तरफ गर्म होने लगी। इन्हीं सब चर्चाओं के बीच रोहित शर्मा ने अपनी लेडी लव रितिका को काफी रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया था। उस प्रपोजल की चर्चा आज भी फैंस करते रहते हैं। रोहित ने अपनी वाइफ रितिका को किसी रेस्टोरेंट, होटल या फिर ऐसी ड्रीम डेस्टिनेशन पे नहीं किया था, बल्कि रितिका को वो अपने साथ बोरीवली स्पोर्ट्स क्लब लेकर गए थे। ये वही जगह है जहां से रोहित शर्मा ने अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत की थी। बोरीवली स्पोर्ट्स क्लब में रोहित ने 11 साल की उम्र में अपना पहला मैच खेला था। यहां पर रोहित ने रितिका को घुटनों के बल बैठकर शादी के लिए प्रपोज किया। एज यूजुअल पोज है जो सब करते हैं। लेकिन इस दौरान क्रिकेटर ने अपनी लेडी लव को एक अंगूठी भी पहनाई और खास बात यह है कि यह पूरा रोमांटिक पल रितिका के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था जिसे देखकर वो काफी खुश भी हुई थी। इसका नतीजा यह हुआ कि रितिका ने रोहित के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और इस रोमांटिक प्रपोजल के बाद रोहित शर्मा और रितिका ने 3 मई 2015 को सगाई कर ली और यह गुड न्यूज रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करके अपने फैंस को दी थी। हालांकि दोनों की सगाई काफी सीक्रेटली हुई थी, इसी वजह से रोहित और रितिका ने अपनी सगाई के बाद एक पार्टी का आयोजन किया जहां पर इस कपल ने दुनिया के सामने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। रोहित शर्मा और रितिका की सगाई में बॉलीवुड अभिनेता सोहेल खान और उनकी वाइफ सीमा भी पहुंचे थे। सीमा अब सोहेल खान की एक्स वाइफ है। बता दें कि सीमा और रितिका जो है कजन सिस्टर्स हैं। सगाई के कुछ समय बाद ही 13 दिसंबर 2015 को रोहित शर्मा और रितिका हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। उन्होंने शादी कर ली। दोनों की शादी मुंबई के ताज लैंड्स होटल में हुई थी जिसमें क्रिकेटर्स से लेकर बॉलीवुड के कई सारे सेलेब्स शामिल हुए थे। इसके अलावा इस रॉयल वेडिंग का हिस्सा जो थे बिजनेस टाइकून्स भी बहुत सारे थे। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा और रितिका की शादी की खुशी में अंबानी फैमिली की तरफ से भी एक ग्रैंड पार्टी दी गई थी। अब भाई दी भी जानी चाहिए, अंबानी जी की टीम मुंबई इंडियंस के कैप्टन जो है हमारे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा और रितिका ने शादी के 3 साल बाद 30 दिसंबर 2018 को अपने घर एक नन्ही सी परी समायरा का स्वागत किया। रितिका ने अपनी बेटी समायरा को जन्म दिया था। तब रोहित शर्मा टीम इंडिया की ओर से ऑस्ट्रेलिया के टूर पे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी नन्ही परी के आगमन का समाचार मिला वो सब कुछ छोड़कर इंडिया वापस आ गए थे। 6 जनवरी 2019 को रोहित शर्मा ने ये गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की थी। इस दौरान रोहित ने खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। वहीं अब रोहित शर्मा अपनी लविंग वाइफ रितिका और बेटी समायरा के साथ अपनी मजेदार लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और फिलहाल इस बात में कोई शक नहीं है कि रोहित और रितिका एक दूसरे को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। जहां पहले रितिका रोहित की क्रिकेट लाइफ को मैनेज करती थी, वहीं अब वो रोहित की पर्सनल लाइफ को भी काफी अच्छे से मैनेज कर रही हैं। तो आपको रोहित शर्मा और रितिका सचदेव की ये प्यारी लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर। फिल्म किस्से के इस एपिसोड में इतना ही। मिलता हूं आपसे एक और किसी क्रिकेटर के ऐसे बहुत शानदार किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।